विचार देखिए, मार्केट में जो आजकल चल रहा है कर्मा उल्टन पलटन थ्योरी का, अपने हाथ में कर लेना, कर्म को बस में कर लेना, इस प्रकार से सब बेवकूफ़ बनाने वाला क्या है। इसको देखिए, अभी जो कुछ देर पहले आप कह रहे थे एस्ट्रोलॉजी के लिए कि अपना कैसे इंट्यूशन भी मदद करता है, देखिए ध्यान वगैरह आप करें इससे इंट्यूशन आपका हेल्पफुल होगा, मतलब इंट्यूशन आपका डेवलप होगा, शार्प होगा। लेकिन मुझे जो एक लगता है कि आप इस काम को कर रहे हैं ना, तो इसके लिए ऑनेस्टी बड़ा जरूरी चीज़ है, और आप ईमानदारी से क्वालिटी पे फोकस कीजिए बिना किसी लोभ लालच। ईश्वर आपकी मदद करेंगे। जैसे किसी की भी मैं कुंडली देखता हूँ, सेम डे में बहुत कम मैं कंसल्टेशन देता हूँ। मैं कब आपको हाँ दे दूंगा सेम डे में, जब मुझे उस दिन कोई काम नहीं रहेगा, मुझे क्लियर लगेगा कि हाँ आज कोई काम नहीं है, मैं इनकी कुंडली देख के इनको बता सकता हूँ तभी। अदरवाइज मैं ये बोलता हूँ कि जब आप पेमेंट करेंगे उसके नेक्स्ट डे बात होगी। कई बार ऐसा आया है लोगों ओके का कि आज ही का काम है, आज आप बता दीजिए 1 घंटे में 2 घंटे में। मैंने नहीं, क्यों, मैं हाँ कहूँगा 4100 रुपये मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि आज का मेरा शेड्यूल क्या है, मैं इसमें न्याय नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्यों करूँ उस काम को। बराबर आप समझ रहे हैं, चूंकि उस आदमी को नहीं पता है ना कि मेरी आगे का भी शेड्यूल क्या है, मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे तो पता है मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा। अब मैं कुछ भी उसको उल्टा सीधा बता के दूं तो ये तो अपना तो कर्म खराब होना हुआ, नहीं करेंगे। समझ रहे हैं, जिसकी जो कुंडली है मतलब लोभ और लालच से वशीभूत आपको नहीं होना है। काम आए या ना आए, जो जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं सही तरीके से उसको गाइड कीजिए। ईश्वर पे भरोसा रख के आपको जो कुंडली में दिख रहा है, जो आपका नॉलेज है, वो सामने वाले को डिलीवर कीजिए। ये जो आप जी चार्ट देख रहे हैं, ये यूट्यूब के एक रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर से इन्होंने 2 कोर्सेज किए हुए हैं। कर्मा पल्टन थ्योरी का भी इन्होंने कोर्स किया हुआ है और केपी एस्ट्रोलॉजी का भी किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली, पहले इनकी चार्ट को देखिए, ये कंसल्टेशन मुझसे लिए क्यों, लिए इसलिए कि अभी इनकी अगस्त या सितंबर से चालू होगी गुरु की दशा, ठीक है। 23 अगस्त तक राहु है और उसके बाद इनकी गुरु की दशा चालू होगी। इनका कंसल्टेशन लेने का ये था कि गुरु की दशा मेरी कैसी रहेगी, उसके रिजल्ट को हम कैसे अपने लिए बेटर कर सकते हैं। कर सकते ये राहु की दशा मेरे लिए काफी प्रॉब्लमेटिक गुजरी है, ठीक है, तो कुछ रीजंस उनको उसके भी जानने थे और आगे गुरु को कैसे सही करें, ये मैं जो चार्ट आपको डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने जो जो यूज किया है, जैसे मैं नॉर्मली केपी से अधिकतम प्रिडिक्शन देता हूँ, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे लाल किताब भी यूज करता हूँ, नाड़ी ज्योतिष भी, हाँ ठीक है, क्योंकि नॉलेज है। आप कंसल्टेशन हम देते हैं तो हमारी ये मोटिव होती है कि क्लाइंट को अधिकतम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। और जो पॉइंट नहीं पता है उसको ना कहने में कोई समस्या और आपत्ति की बात, क्लियर। नहीं है तो अब इन्होंने जो राहु की दशा में बोली कि काफी प्रॉब्लम उठाना पड़ा, तो वो क्यों, उस राहु को पहले हम जज करें, क्लियर है। राहु के रिजल्ट को जब आप देखिएगा इस नाड़ी सिग्निफिकेटर में आके, तो राहु रिजल्ट दे रहा है 3, 4, 8, 9, 10। राहु का स्टार लॉर्ड है मून और राहु का सब लॉर्ड है वीनस। मून दे रहा है 6 एंड 7 और राहु का जो सब लॉर्ड है वीनस वो रिजल्ट दे रहा है 4, 9, 10। क्लियर, 4 नाइट राहु जो है इसमें जब आप देख रहे हैं तो राहु क्या रिजल्ट दे रहा है, 3, 4, 8, 9, 10 में आठवां भाव तो मौजूद है। प्रोफेशन यानी 10th हाउस के लिए 8 और 9 दोनों प्रॉब्लमेटिक हो गए। 4 हाँ और 8 घर में भी तनाव टेंशन का माहौल, या कहीं भी किसी भी जगह पे आप रहेंगे तो वो एक दुख है, एक परेशानी, वो आपको बढ़ाएगी। राहु का जो नक्षत्र है चंद्रमा, वो राहु से चौथे भाव में है, 1, 2, 3, 4। तो नॉर्मली किसी भी ग्रह का नक्षत्र यदि उससे 4, 8, 12 पोजिशन पे होता है तो वो भी उसके रिजल्ट को प्रॉब्लमेटिक बनाता है। ओके साथ ही साथ आप इसमें देखिए तो 9वां भाव राहु में आप देख रहे हैं, तो 8 और 9 प्लेनेट स्तर पे, सब लॉर्ड स्तर पे 9, तो 1, 5, 9 वाले जो भाव हैं ये तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। तो दशा राहु की चल रही है, इसमें 8 9 आ रहा है। अब एक चीज हम ये देख लेते हैं कि क्या 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है, या बिजनेस करते हैं तो 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है, यदि उसमें भी 5, 8, 9 या 8, 9 आ रहा होगा तो प्रॉब्लम का तो प्रॉमिस वहां हो ही गया और दशा में ये आ ही रहा है। समझ में आ रही बात। अब इनका देखिए 7th कस्पल सब लॉर्ड जो इनकी चार्ट में है वो है सैटर्न, सैटर्न है अनटेनेंटेड होके, और 10th कस्पल सब लॉर्ड जो है वो है इनका केतु।
तो सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड जब सैटर्न को देखेंगे तो 8 और 12 ये अनटेनेंटेड है, तो 7 और 9 भी जुड़ जाएगा, तो 7 8 9 12 प्रॉब्लमेटिक। नो और यहाँ सैटर्न स्वयं के सब में है 7 8 9 12, वाला स्टार स्तर पॉजिटिव है 2 10 11 है, लेकिन ये 2 10 11 8 9 12 के रिजल्ट को खत्म थोड़ी कर देगा। आप नहीं समझ रहे हैं, करूंगा, ये 2 10 11 इनको संभाल लेगा, प्रॉब्लम को खत्म नहीं करेगा, करेगा लेकिन प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम अब तक फेस की है, फैक्ट्री चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम उठाना पड़ा और आगे भी उठाना पड़ेगा। ये पड़ेगा। लेकिन किसी के कर्म पलटने के आधार पर इनके दिमाग में ये लगा कि हम ज्योतिष सीख लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कर्म पलट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले इसके नहीं बारे में होता। ये समझिए, यदि आपकी कुंडली में 1 और 8 भाव है, ठीक है, 1 और 8, तो ये मानसिक पेन समस्या टेंशन परेशानी हेल्थ रिलेटेड मैटर को बताएगा। ऐसे 2 8 3 8 करते करते यदि 5 और 8 है, तो ये आपके जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या कुछ भी नया सीखते हैं, तो उस स्थिति में आपके थॉट प्रोसेस को बदलता है और मानसिक स्तर पे थोड़ी सी दुख को सहने की क्षमता आ जाती है। दुख बोलते खत्म नहीं होगा, ये दिमाग में रखिए, यदि ओके। प्रॉमिस है तो मिलेगा। वहीं यदि जो ये 8 है, ये आपका 10वें भाव के साथ जब आ जा रहा है आपके प्रोफेशन के लिए, 1 मिनट, 10वें के साथ 8 आ गया तो प्रोफेशन के लिए, 7 के साथ 8 आ गया तो बिजनेस के लिए, और धन के साथ 8 आ गया तो धन के लिए। अब इन चीजों के लिए कोई उपाय नहीं, आप ज्योतिष सीखिए, तंत्र मंत्र सीखिए, आप तांत्रिक बन जाइए, शमशान के नदी किनारे जाके बैठ जाइए, समझ रहे हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ना। समय और पैसे की बर्बादी है, और जो मूर्ख बनाने वाला व्यक्ति है वो आपसे पैसे लेके ज्ञान देके निकल लेगा। 5 और 8 के सिचुएशन में ही आप एस्ट्रोलॉजी वास्तु ऐसा ओकल्ट कुछ सीखते हैं तो आपको थॉट प्रोसेस में चेंज फील होगा, बाकी इनके रिजल्ट को नहीं बदला जा सकता है। यदि ऐसा होता तो ये आदमी रिजल्ट को बदल लिया होता, इसको कोई समस्या नहीं होती, नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। तो इनके जो 7th कस्पल सब लॉर्ड है उसमें 8वां भाव है शनि में, सेटलमेंट सब तो और सात हाँ तो हाँ आएगा 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 7 8 9 12। ना। और 10th कस्पल सब लॉर्ड जो इनका केतु, इस केतु में भी देखिए 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 9 है। तो जो प्रोफेशन है इनका, इस प्रोफेशन में प्रॉब्लम एंड अप एंड डाउन बना रहेगा। 10th कस्पल सब लॉर्ड में 5 और 9 दोनों प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो इसमें 5 8 और 9 आ गया। 10th कस्पल सब लॉर्ड में 10 और 11 भी है, 10 और 11 आगे बढ़ाएगा, ले जाएगा, लेकिन 5 8 और 9 जो है वो तो ब्रेक भी तो लगाएंगे। तो ये इनके साथ बना रहेगा लाइफ लॉन्ग। अब है कि दशा का क्या रोल है, यदि दशा सपोर्टिव होती है तो प्रॉब्लम्स थोड़े कम फील होते हैं, खत्म नहीं हो सकते। अब इनकी राहु की दशा चल रही है, राहु में 8 9 प्रॉब्लम इनको काफी झेलना पड़ा। राहु के बाद गुरु की दशा आएगी, तो गुरु जो है वो 2 10 11 का रिजल्ट दे रहा है, तो 2 10 11 का रिजल्ट दे रहा है, तो सोर्स के स्तर पे, प्लेनेट स्तर पे रिजल्ट को फेवरेबल बना रहा है। इसका स्टार जो है केतु 3 8 10 का रिजल्ट दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, और सब लॉर्ड जो है वो राहु 3 4 8 9 10, तो ये भी प्रॉब्लम कर रहा है ना। लेकिन हाँ क्योंकि जुपिटर जो है वो जुपिटर रिजल्ट अच्छा दे रहा है, तो इस कारण से इनको जो प्रॉब्लम जितनी होनी चाहिए उसमें थोड़ा रिलीफ। सम नहीं। तीनों स्तर पे 10 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो ये 10 जो प्रोफेशन में, जो बिजनेस में आपको एक्सीलेंस, एक हाइट मिलना चाहिए, वो भी मिलेगा। प्लेनेट स्तर में ही भले 11 है, राहु में तो वो भी नहीं है, तो वो भी आपको हाँ मिलेगा, एक लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो 8 है और 8 और 9 है तो ये प्रॉब्लम आपको देगा। देगा। लेकिन चूंकि 11 है और तीनों स्तर पे 10 है, जो कि राहु के स्टार में 10वां नहीं था, राहु में प्लेनेट स्तर पे भी 11वां नहीं था, स्टार और सब लॉर्ड तो छोड़ दीजिए, तो इसकी तुलना में ये जुपिटर जो है वो फेवरेबल होगा। क्लियर हुआ, इनको प्रॉब्लम क्यों आ रहे थे, यहां तक तो कोई समस्या है तो बताइए। नहीं इसके साथ साथ राहु और केतु जब 4 और 10 में आते हैं तो ये भी प्रोफेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
इनके प्रोफेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करने का पहला कारण राहु केतु 4 और 10 में, सेकंड पॉइंट इनके 7 कस्पल्स अब्रॉड जो शनि है उसमें 7 8 9 12, थर्ड पॉइंट इनकी जो 10th कस्पल्स अब्रॉड केतु है इसमें भी 5 8 9, चौथा कारण इनकी जो राहु की दशा चल रही है उस राहु की दशा में भी 8 और 9 भाव का होना और 11वां का मिसिंग होना, इसके कारण यहाँ तक परेशानी इनके जीवन में ज्यादा रही। कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो बताइए। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ अब एक इनका क्वेश्चन था कि सर राहु में जो मून की दशा थी सब में प्रॉब्लम तो खैर सब में आई है, कुछ सही भी हुआ है, लेकिन राहु में जो मून है वो मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक समय रहा। राहु में मून है 4/2/2022 से लेके 6 अगस्त 2023 तक, दिख रहा है, तेईस तक। हाँ लेकिन ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक समय रहा और ऐसा क्यों? क्लियर? अब राहु देखिए तो इनका राहु जो रिजल्ट दे रहा है वो तो दे ही रहा है आपके सामने। इनका मून देखिए तो मून रिजल्ट दे रहा है 6 7 का, मून का स्टार सन है 6 7 7 11 का, और मून का सब लॉर्ड फिर मून है 6 एंड 7 का।6 7। ठीक, केपी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मून जो है वो बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, 6 7 11 तीनों का तीनों का जा रहा है ना, रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहा है। ठीक है, मैंने इनको कहा देखिए मान लेते हैं कि राहु में मून के पहले राहु में जब सन की दशा थी, नहीं तो आप मुझसे कुंडली दिखा रहे होते। ठीक है, राहु में जब ये मून से पहले सन था, ठीक, यानी 2021 के मार्च से लेके 4 फरवरी 2022 तक सन था, तो मैंने बोला यदि राहु के सन में आप दिखा रहे होते या राहु में जब वीनस था तब दिखा रहे होते और तब आप मुझसे पूछते कि मून कैसा जाएगा, तो मैं बोलता कि मून अच्छा जाएगा राहु में। अच्छा ठीक है, जाएगा। क्योंकि ये रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन आपका क्लेम है कि मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, यानी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं कि आपको समस्या हुई, और मैं केपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हूं कि रामून समस्या देता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आखिर क्या रीजन, क्यों प्रॉब्लम हुआ, समझ रहे हैं बात को? एक प्रॉब्लम हाँ ये है कि राहु जो है इनके 4th हाउस में, जब घर में कुछ तोड़ फोड़ कराएंगे तो प्रॉब्लम होगी, फोर्थ इन्होंने हाउस में 10 साल राहु में बेहतर तोड़ फोड़ नहीं कराई वास्तु का। वास्तु का, इन्होंने कहा सर हमने प्रॉब्लम नहीं कराई, मतलब सॉरी कोई भी तोड़फोड़ नहीं तोड़ कराई, फोड़ नहीं करवाई। हाँ जब नहीं कराई तो ये तो मामला यहीं पे सॉर्ट आउट हो गया, तो दूसरा क्या रीजन हो सकता है? दूसरा रीजन ये है, वो रीजन मुझे केपी से नहीं मिला। ठीक है, ये पॉइंट हटा दीजिए। लाल किताब का कॉन्सेप्ट यह है कि जिस साल शनि आपके वर्षफल के 6ठे भाव में आएगा और आप कोई भी चमड़े का फुटवेयर खरीदेंगे, लेदर का जूता चप्पल या सैंडल, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और उस टाइम में जब राहु में इनकी मून थी उस समय मून इनके 6ठे भाव में था, ये सैटर्न इनके 6ठे भाव में था। क्लियर है? अब वो एक पॉइंट है जो इनको प्रॉब्लम देता है, मैंने इनको कहा कि आप याद कीजिए, इस चीज को रिकॉल कीजिए, यदि आपने खरीदा होगा तो वही एक रीजन है प्रॉब्लम का, यदि आपने नहीं खरीदा होगा तो फिर मैं आपकी कुंडली की इस प्रॉब्लम को पकड़ लूंगा, मान लेते हैं सक्षम नहीं है। क्लियर, समझ आई मेरी बात? मतलब मैं आपको प्रॉब्लम हुई तो जबरदस्ती इधर से उधर कुछ नहीं लाना, मैंने रूल उनको इसलिए बताई, आपको भी बता रहा हूं कि आप किसी को और चार्ट में भी वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने इनकी कुंडली के लिए एक रूल बना दी, मैंने ये कहा कि क्लियरली आप इस चीज को याद कीजिए, यदि उस राहु और मून में आपने चमड़े का जूता चप्पल सैंडल बेल्ट ये खरीदा हो, नॉर्मली फुटवेयर ही ज्यादा होता है, तो यदि आपने ये खरीदा है तो प्रॉब्लम को वो देगा, यदि आपने नहीं खरीदा है तो इस पॉइंट में आपके इस प्रश्न का जो रीजन है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब ये बोलते क्या है कि सर ये ऐसा पॉसिबल है कि हमने खरीदा हो, क्योंकि नॉर्मली हर एक एक टाइम पे जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी इनको खरीदना होता है, स्वयं के लिए भी खरीदना होता है, तो लगभग हर एक साल ये खरीदते ही है। ठीक है, तो अब क्या है, अब दिमाग में आपके आ रहा होगा कि फिर ये सिचुएशन आगे, अब जो 22 के बाद 2038 में ये सिचुएशन होगा, 38 में, 38 या 34 में, समझ रहे हैं, ये सिचुएशन होगा,
अब ऐसा नहीं है कि जब आएगा फिर बार बार ये हो रहा होगा। यदि 22 के बाद 34 में हो रहा होगा तो 12 साल हो गया, या 38 में हो रहा होगा, मैंने चेक किया था, अभी मिस कर रहा हूँ, तो 16 साल बाद होगा। तो ऐसे ही 12 या 16 साल और पीछे कर दीजिए, 22 के 10 साल यानी 12, और फिर 4 साल 1500, ये 2007-08 में ऐसा सिचुएशन रहा हो, नहीं तो ये चीज़ें हैं 12 साल या 16 साल पे वो सिचुएशन फिर इनकी कुंडली में बन रहा है, तो ऐसा पॉइंट रहा नहीं होगा कि दिमाग में रहे। तो इसलिए मैंने कहा कि यही एक प्रॉब्लम है जो मुझे देता हुआ आपको दिख रहा है, अदरवाइज वो नहीं दिख रहा, समझ रहे हैं? मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मली आपके या किसी के मन में भी क्वेश्चन ये आ जाएगा कि शनि तो हमेशा छठे भाव में आएगा, ये जातक जूता चप्पल हमेशा खरीदता है, तो और बार क्यों नहीं प्रॉब्लम हो जो राहु मून में हुआ। तो राहु ये जो शनि है वो इनके छठे में हमेशा नहीं आ रहा है, 12 या 16 साल के बाद आ रहा है छठे भाव में। अब इतना दिन तक पीछे जो अब आया था तो उस टाइम, अभी एक बार रुकिए मैं थोड़ा सा कंफर्म करके आपको बता ही देता हूँ कि पीछे कब आया था। ये 2022 में आया था शनि इनके छठे में, उसके पहले 2010 में आया था शनि इनके छठे में, यानी 12 साल पर ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि हर साल आप खरीदे रहेंगे तो प्रॉब्लम आता रहेगा, नहीं। तो ये 12 साल का सिचुएशन है, तो फिर वहीं 22 के बाद 12 साल इन 2034 में आएगा, तो ये एक रीज़न है जो कारण हो सकता है। अब ऐसे केस में ये जो प्रॉब्लम है, जैसे राहु चौथे में आपका आ गया, शनि जब छठे में आएगा तो वो खरीदना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इन इन चीज़ों को आप किसी भी कर्मा उल्टन पलटन के द्वारा नहीं बदल सकते हैं। कुछ चीज़ें जो होने वाली हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जहाँ प्लानिंग काम करता है उस चीज़ में आप चीज़ों को काफ़ी हद तक अपने अनुसार यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बदल नहीं सकता। प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, धन फंसने का योग है, तो आप प्लानिंग के तहत कम कर सकते हैं। बाकी आप ये सोचे कि नहीं हम उधार देते रहेंगे और वो नहीं फंसेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। वो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, शेयर मार्केट में लॉस है तो वो लॉस उठाना पड़ेगा, बाकी किसी भी चीज़ के द्वारा आप उसको बदल नहीं सकते, समझ रहे हैं? बिजनेस में लॉस है तो बिजनेस आपको नहीं करना, लेकिन वही है कि बिजनेस का मोड आप उधार नहीं दें, आप सर्विसेज के द्वारा पार्टनरशिप में जुड़ जाए, यानी इन्वेस्टमेंट दूसरे का हो, आपकी सर्विसेज हो, तो काम करने के तरीके को बदल के रिजल्ट में काफी हद तक आप चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं 100% हम बदल देंगे तो ये नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? नॉर्मली ये क्या होता है ना कि प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट जैसे आप सोच लेते हैं, मैंने आपको कह दिया अरे आपका केतु 10th में है, आप कुत्ते को रोटी खिलाते रहो, लोगों की मदद करते रहो, ये प्लेसिबो इफेक्ट आपके दिमाग में जनरेट हो गया, आपको लगेगा कि अच्छा हो रहा है। लेकिन आप प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि वो अच्छा कब माना जाएगा, जब प्रोफेशन आपका ग्रोथ के ऊपर जाए, नहीं ग्रोथ की तरफ बढ़ता जाए। आज आपका टर्नओवर 1 करोड़ है, 5 साल में 5 करोड़ हो, और एक मतलब बढ़ता हुआ जाए तो हुआ ना, आपके मान लेने से सुख हो जाने से नहीं होगा। आप ये कहें कि हम बेटर महसूस कर रहे हैं, महसूस होना नहीं हुआ, वो तो आपका बैलेंस शीट बताएगा। तो हर एक चीज में वो प्लेसिबो इफेक्ट काम नहीं करती है। एक बार पहले मैंने एक वीडियो में बताया था प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। जैसे कोई वैक्सीन होती है, 10 लोगों को देना है, उसमें 5 लोगों को वैक्सीन दी जाती है, 5 लोगों को ऐसे ही सुई चुभा दिया जाता है, या नॉर्मली कोई ऐसा दूसरा मेडिसिन दे दिया जाता है जिसका कोई इफेक्ट नहीं हो, और सबको 10 आदमी को बता दिया जाता है कि इस मेडिसिन के बाद आपको बुखार होगा, सर्दी होगी या खांसी होगी, ये सामान्य उसके सिम्टम है। अब जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनको भी वो फील होता है, जिनको नहीं लगी होते हैं उनमें से भी आधे को या सबको वैसा ही रिजल्ट फील होता है, क्योंकि वो यही सोचे होते हैं कि मुझे भी वैक्सीन लगाए तो मुझे भी ये होगा। वहीं प्लेसिबो इफेक्ट आजकल चल रहा है कि आपका अष्टम भाव है, भले वो किससे संबंध है, कौन सा प्लेनेट है, उससे कोई मतलब नहीं, बस ज्योतिष सीख लो, ज्योतिष सीख लो। लोग अंधा दौड़ में पड़े जा रहे हैं, ज्योतिष सीख लो, क्यों सीखना? मैं मुझसे कोई पूछता है तो मैं क्लियरली बोलता हूँ कि ज्योतिष सीखना एक अलग बात है, सीख को उसको एज ए प्रोफेशन अप्लाई करना अलग बात है। सीखने के लिए आपका 5 और 8 है, आप सीख सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए उसका दूसरे और 10वें भाव से संबंध होगा तो ही पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज सीखे हुए तो बहुत से लोग हैं जो स्वयं से अपना केस सॉल्व नहीं कर पा रहे, दूसरे को क्या कंसल्टेशन देंगे? नहीं, इस चार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो बताइए। क्लियर नहीं। है? हाँ।